फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्रियन स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, जिसका नाम है कोथिंबीर वड़ी और जिसको सांभर वड़ी भी बोलते हैं। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, राई और जीरा, नारियल पाउडर, तिल पाउडर, हरी मटर, सनफ्लावर ऑयल और साथ में ही डो बनाने के लिए बेसन और मैदा। रेडी हो चुका है। अभी इसे 20 से 25 मिनट के लिए आपको साइड में रख देना है। तब तक हम अपनी कोथिंबीर वड़ी की स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के सबसे पहले आपको पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद पैन में आपको ऑयल ऐड करना है। आपकी स्टफिंग के अनुसार आपको इसमें ऑयल ऐड करना है। गरम होने के बाद इसमें राई और जीरा ऐड करना है। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करना है और साथ गैस की फ्लेम मीडियम कर लेना है और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, हल्दी पाउडर ऐड करना है और यहाँ पे मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, इसे ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी गैस की फ्लेम आपको मीडियम की रखनी है। अभी ये मसाला हल्का हल्का पक चुका है। अभी मैं इसमें
देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हमें कोथिंबीर वड़ी बनाना है। अभी हम यहाँ पे कोथिंबीर वड़ी बनाने वाले हैं, तो हमने ये जो डो लिया था उसको इस तरह से आपको बेलना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको स्ट्रेट इस तरह से बेल रही हूँ। इस तरह अभी इसे फोल्ड करना है इस तरह, और ये सेकेंड साइड और ये दोनों जो साइड है इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। और इसको अच्छे से पैक कर लेना है। और ये बन गई हमारी कोथिंबीर वड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह बना ली है। अभी हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इसको अच्छे से गरम होने देना है, उसके बाद हम वड़ियों को फ्राई करेंगे। अभी तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अभी मैं ये कोथिंबीर वड़ी को फ्राई करूंगी। तो इस तरह से इसको इसमें ऐड करना है और इसको दोनों साइड से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।